और इस तरफ है ये स्विमिंग पूल। भाई दिगालिया का स्विमिंग पूल इंफिनिटी पूल इसको कहते हैं। तो 37 फ्लोर से स्विमिंग पूल कुछ ऐसा दिखता है। बेसिकली मैं हूँ अभी हॉस्टल में। जी हाँ, एक ऐसा हॉस्टल कह सकते हैं, कुआलालंपुर का सबसे वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल कह सकते हैं। बेस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका रीज़न मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये इसे हॉस्टल भी कहिए या फिर अपार्टमेंट भी कहिए, जो चाहे वो कह लीजिए। ये देख सकते हो बेसिकली एक अपार्टमेंट है, बट इन लोगों ने क्या किया, इसे हॉस्टल में तब्दील कर चुका है। इसमें बहुत सारे बेड्स भी हैं और एंड रूम्स भी हैं। रूम्स मैं पहले दिखाता हूँ। सो ये देख सकते हैं कॉमन रूम कम किचन भी कह सकते हैं, ये रहा, इसे आप एक्सेस कर सकते हो। मैं जब मलेशिया पहली बार आया था ना, सो इस अपार्टमेंट को मैंने बुक करी थी। तब मैंने हॉस्टल बुक नहीं किया था, तब मैंने ये अपार्टमेंट ही बुक किया था। सो मैं एक बार जब फिर मलेशिया आया ना, तो मैंने ये इंटेंशन बना लिया था कि मैं आऊँगा तो इसमें कम से कम एक नाइट तो स्टे मैं इसमें करूँगा ही, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। क्यों अच्छा लगा था? स्विमिंग पूल की वजह से। स्विमिंग पूल मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले इस अपार्टमेंट में दिखा देता हूँ है क्या। सो ये मेन गेट है। मेन गेट से घुसते ही ये आपको कॉमन रूम एक दिखेगा। कॉमन रूम में सीटिंग अरेंजमेंट भी है, आप आराम से सोफा पे बैठ सकते हो या फिर आप डाइनिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे साथ एक और गेस्ट है। हेलो, कहाँ से आप? मैं पाकिस्तान से। ये हैं पाकिस्तान से और मैं हूँ इंडिया से, और इत्तेफाक से आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि कोई प्लानिंग करिए जहाँ पे हम एक साथ इंडिया पाकिस्तान का मैच देख पाए, क्योंकि पिछले संडे को भी ना मैच थी लेकिन मैं मिस कर दिया। मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और मैं मिस कर दिया। ये आप देख सकते हो एक स्विमिंग पूल नीचे भी है, एक स्विमिंग पूल नीचे भी है, और ये बेसिकली टॉप फ्लोर पे एक स्विमिंग पूल है, सो जिसे मैं एक्सेस करूँगा। शाम का 4:30 बज रहा है, मतलब इंडिया में भी 2 बज रहा होगा। किचन को एक्सेस कर सकते हो, सारे यूटिलिटीज़ वगैरह कटलरी सब कुछ अवेलेबल है, और चूँकि यहाँ गर्म पानी तो है ही। मैं ना हमेशा अपने साथ कॉफ़ी ये हमेशा लेके चलता हूँ, क्योंकि कब क्या ज़रूरत आ जाए कोई बता नहीं सकता। तो आज मैं भाई अपना कॉफ़ी ओके। सो मेरा कॉफ़ी भी रेडी हो गया, और ये मेरे पास कुछ ये ब्रेड्स भी है। ये ब्रेड्स मैंने यहाँ के कन्वीनियंट स्टोर से खरीदा था, फ्लफी बंस आप देख सकते हो। यहाँ पे घड़ी में 5 बज चुका है। हाँ, 5 तो घड़ी में ही बजेगा, और कहाँ बजेगा। इतने सारे बटन से इट मीन्स इतने सारे फ्लोर्स हैं। फोर्थ फ्लोर पे बेसिकली ये लॉबी है, काफ़ी खूबसूरत है। सो ये जो गार्डन आप देख रहे हो ना, ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है, ये अभी मैं फोर्थ फ्लोर पे हूँ, और फोर्थ फ्लोर पे ऐसा ये गार्डन हमको दिख रहा है। अच्छा है, काफ़ी इन लोगों ने रेन फॉरेस्ट की तरह बना रखी है, और फॉन प्लांट्स वगैरह है। वैसे मुझे फॉन प्लांट्स काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी खूबसूरत है। सो भाई अब चलते हैं बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जहाँ पे स्विमिंग पूल है। सो भाई मैं अभी आ गया हूँ 37 नंबर फ्लोर पे। पीछे आप देख रहे हो वो है ट्विन टावर, कुआलालंपुर का ट्विन टावर, जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है। सो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आई बटन पे है। सो है ये हमारा इन्फिनिटी पूल। ये जो इन्फिनिटी पूल है ना, ये है 37 नंबर फ्लोर पे। इस बिल्डिंग का जो टॉप मोस्ट फ्लोर है, उस फ्लोर पे ये है एक आलीशान
स्विमिंग पूल। सबसे पहले मैं डिस्क्राइब कर दूँ उस तरफ, वो है ट्विन टावर, वो है भाई वो ट्विन टावर है एंड वो मीनारा टावर है। और वो जो बिल्डिंग देख रहे हो जो मोटोरोला का मोबाइल की तरह लग रहा है, उसके नीचे ही मैं था। मेरी जो हॉस्टल थी ना उसके ठीक नीचे ही थी, मे बैंक के ठीक पास ही थी। तो लिटरली कह सकते हैं 360 डिग्री तो नहीं कहूँगा बट हाँ 180 डिग्री तो पूरा दिख रहा है यहाँ पे से कुआलालंपुर। तो भाई ये देख सकते हो, ये है बच्चों के लिए एंड ये है एडल्ट के लिए। वो जो ग्लास का बैरियर दे सकते हैं उसके बाद ही मतलब बिल्डिंग ख़त्म होती है, तो यहाँ पे आना वैसे भी सेफ नहीं है। और इस तरफ है ये स्विमिंग पूल, ओके। ये देखो भाई यहाँ से व्यू कैसी आती है। तो 37 फ्लोर से स्विमिंग पूल कुछ ऐसा दिखता है। चार फुट के आसपास होगा, ज़्यादा गहरा नहीं है और बच्चे इसमें नहीं है, बच्चे के लिए अलग स्विमिंग पूल है। अच्छा लग रहा है लेकिन दुख इस बात की है कि मेरे कैमरा का बैटरी जल्दी ख़त्म होने वाला है एंड सेकेंड बस एक घंटा ही अलाउ है। कम से कम 2 घंटा अलाउ होना चाहिए था और मुझे बैटरी चार्ज कर लेना चाहिए था पहले ही। एनीवे जो है जितना है उसी में मैं खुश हूँ। For making video. Oh, your YouTube is it? Yeah. Oh, okay. Let me share your page. We'll subscribe. Yeah, sure. Okay. भाई आधा घंटा निकल गया, मुझे पता नहीं चला। मेरे पास और आधा घंटा टाइम है और कैमरे के पास आई थिंक 5 मिनट या 10 मिनट की रिकॉर्डिंग बची होगी। कैमरे का भी बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो देखते हैं इस बैटरी में जितना रिकॉर्डिंग हो पाए उतना रिकॉर्डिंग करूँगा और नहीं तो। तो भाई ओवर ख़त्म हो गया, 6 बॉल डालना था, 6 बॉल मेरा ख़त्म हो गया, ओवर मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मतलब एक घंटे का जो टाइम मिला था ना, एक घंटे का ड्यूरेशन मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं एक्चुअली आया ही था यहाँ पे 15-20 मिनट मैं लेट से आया था और मेरा जो टाइमिंग था वो 6 बजे तक की टाइमिंग थी, 15 मिनट मेरा वैसे ही निकल गया। तो भाई दिघालिया का स्विमिंग पूल इन्फिनिटी पूल जिसको कहते हैं, सो भाई स्विमिंग पूल में जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरे कैमरा का बैटरी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था, टाइम भी ज़्यादा मेरे पास था नहीं कि मैंने वीडियो बनाई। सो फाइनली मैं भी आ गया हूँ और मैं सबसे पहले आपको टाइम दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट 12 बज चुका है, जी हाँ रात का 12 बज चुका है और इंडिया में भी कितना बज रहा होगा, 7:30 बज रहा होगा। और सबसे खास बात यह है कि ना अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ये पाकिस्तान मैं सामने बैठा हूँ इंडिया से, ये दोनों भाई भी इंडिया से हैं।
और ये भाई है, ये वेयर यू फ्रॉम? वेनेजुएला। वेनेजुएला से ये भाई, ये भी घूम रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं। हाय, ये है भाई सीरिया से। Say your name. Free jo. Yeah. Ambassador, welcome, guys. Okay, come to India. Welcome. ये है भाई मलेशिया से। Hi guys, I'm from Lhaka, Malaysia. Okay. I think my hometown is Naibok from the Thailand. It's Kelantan. Okay. See you next. Yes. Bye. Syrian. Syrian. Okay. So.